करेक्ट ओके। आज हम लोग दो केस स्टडी को लेने वाले हैं हाथ में, तो हर संभव प्रयास रहेगा कि दोनों को कवर करने का। ये हम कहां से ले रहे हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हो, यस 2019 यूपीएससी पेपर एथिक्स, आई रिपीट 2019 मेंस पेपर एथिक्स मेजर पेपर नंबर 4, वहां पे 11 नंबर पढ़ोगे, 11 क्वेश्चन टुडे विल बी 11 एंड 12 ऑफ मेंस पेपर पेपर 4। देखो इसमें क्या कहा गया है, तुम लोग भी रिलेट कर, एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव टू प्रोवाइड मी इनपुट्स। In one of the districts of a frontier state, narcotics menace has been rampant. This has resulted in money laundering, mushrooming of poppy farming, arms smuggling and near installing of education. The system is on the verge of collapse. The situation has been further worsened by unconfirmed reports that local politicians as well as some senior police officers are providing sylvestious patronage to the drug mafia. What happens? At that point of time, a woman officer, known for her skills in handling such situation, is appointed as superintendent of police to bring the situation to normalcy. If you are the same police officer, identify the various dimensions of the crisis. Based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis. Any question? 250 books, 20 books. ये बताओ facts of the case. क्या है facts of the case, कोमल? Money laundering, mushrooming of poppy farming, arms smuggling, education decrease, involvement of politicians, patronage given by senior police. Excellent. तुम्हारा क्या है case? Facts of case? Police officers. इंटीग्रिटी हो जाएगा सर, जस्टिस फंडामेंटल राइट्स क्या है तुम्हारा इससे छोड़ के दूसरा कुछ है? ऑब्जेक्टिविटी, कंसर्न, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारा सर पॉइंट लॉयलिटी एंड करेज एंड कन्विक्शन। हां, करेज एंड कन्विक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, कार्ड क्या होता है? स्टेक होल्डर्स, एथिकल स्टेक होल्डर्स कौन कौन है सर? चिल्ड्रेन, वी आर पीपल इन्वॉल्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पीपल ऑफ सराउंडिंग सर, एंड पॉलिटिशियन, सम सीनियर पुलिस ऑफिसर, ड्रग माफिया, आर्म्स स्मगलर, मनी स्मगलर, डेट्स मनी लॉन्ड्रिंग। हमारा क्या स्टेक होल्डर्स? आई एज अ वुमन एसपी, लोकल पॉलिटिशियन, सीनियर पुलिस, ड्रग माफिया, यूथ। तुम्हारा उसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बोल दो, अगर डिस्ट्रिक्ट एक बार सो और सर बहुत ही नेटिव पीपल्स। हाँ, नेटिव पीपल तो होना ही चाहिए, नेटिव पीपल को ही फर्क पड़ रहा है और ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला है और स्टेट वाला लॉ एंड ऑर्डर सभी चीज। क्या एथिकल डायलॉग्स में? बिलीविंग ग्राउंड रियलिटी वर्सेस सीनियर्स प्रोटोकॉल, सीनियर का प्रोटोकॉल माने या ग्राउंड रियलिटी को बिलीव करके केस बॉय हो रहा है। तुम्हारा सर पॉलिटिशियंस वर्सेस पॉलिटिक्स, सोशल वर्सेस इकोनॉमी और रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स वर्सेस परफॉर्म ऑन ड्यूटी विद प्रोप्रायटी। तुम्हारा क्या है एथिकल डायलॉग? ये जो पॉलिटिशियंस अभी तक स्मॉल है, जो नेक्स्ट है वो बहुत बड़ा थी का लाइन है, और इसमें से फिर से बोलो जोर से, क्या है तुम्हारा? बिलीविंग इन ग्राउंड रियलिटी और द सीनियर्स प्रोटोकॉल। ओके, तुम बोलो, तुम्हारा बोलो, तुम्हारा अच्छा है ज्यादा।
respect of senior officer versus perform own duty with loyalty. Okay. यहाँ पे हम ब्यूरोक्रेट्स को फेवर कर रहे हैं या फिर ड्यूटी को फेवर कर रहे हैं? सीनियर्स भी इम्पोर्टेंट है, ब्यूरोक्रेट्स का पार्ट है, उसके साथ काम भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है इसके। इसमें क्या है, पूरी तरीके से लॉयल्टी टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट या सीनियर वर्सेस लॉयल्टी टुवर्ड्स ड्यूटी सबसे बड़ा है। सेकेंड क्या है, पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल वर्सेस पीपल, इसे बड़ा एथिकल रहना पूछ रहा था। पॉलिटिशियन इलेक्टेड मेंबर है उसके वर्सेस पीपल, पीपल के लिए करे कि जो चुन गया है उसके लिए, ये बहुत बड़ा एथिकल रहना। यस, और क्या है कोमल? चलो ठीक है। अब इफ यू आर द सेम पुलिस ऑफिसर, identify the various dimensions of the crisis ko identify karo based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis. Kya dimensions of crisis, kya crisis hai crisis ka dimension hai sir, ye smuggling se humne aur news aur phir ye smuggling of the poppies, ha ye ho gaya sir, aur ye astronomy of education, ha ye sir money ki ho gaya sir, ye तो ये क्राइसिस जो यानी तुमने फैक्ट जो दिया वही क्राइसिस। यस, कि हो क्या रहा है कि नॉर्कोटिक्स बना से नहीं, नॉर्कोटिक्स बहुत ज्यादा ही लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एक ड्रग्स का कंज्यूमशन बहुत ज्यादा है लेवल पे। दूसरा क्या है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो ना, पैसा हेरबंद चोरी चका बहुत ज्यादा हो रहा है। तीसरा क्या है कि कॉफी फार्मिंग हो रहा है, जहाँ पे राइस होना चाहिए, जहाँ पे दूसरा चीज होना चाहिए वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉफी फार्मिंग हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, और एजुकेशन पूरी तरीके से कट हुई है। यस, ये पांच चीज। और क्राइसिस और क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस, ग्लोबल पॉलिटिशियंस, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि पॉलिटिशियंस सीनियर ब्यूरोक्रेट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सीनियर पुलिस ऑफिसर पॉलिटिशियंस नेक्सस विद ड्रग माफिया, ड्रग चेन सिस्टम है उसके साथ माफिया, ये क्राइसिस सेम फैक्ट्स क्राइसिस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। जो भी क्राइसिस तुमने देखा मेजर्स करो, कैसे करो, तो सर स्टेक होल्डर को ध्यान में रखते हुए मेजर्स को, क्या मेजर्स है कोमल तुम्हारा? I as a women asleep firstly observe the scenario of the district and investigate why drugs mafia or money laundering substantially increase in this district day by day. What is the reason behind it? I will try to understand the socio-economic culture of the district. The district has gambling so many problems, thus I identify the various dimensions of the crisis. First, legal dimension. The activities like narcotics, menace, money laundering, arms smuggling must be prohibited under the respective law. Second, social dimension. I will try to aware the people of that district that taking drugs or smoking is injurious for health. It can be affected jail, also your family, so try to avoid such kind of activities. Here, I will try to develop the educational environment so that youth cannot involve such activities. Third, economic dimension. Involvement of peoples in money laundering, drug mafia or smuggling. Try to pull the people and give him skill training or give him a job so that they come out from it. Fourth, security of borders. Tighten border security and always try to check all the transport that cross the border and visit the district. Fifth, politicians and senior police officers. They are handcuffed of this activist. So that I will pray or request him, don't patronate it. It can take in many lives. It is unhealthy practice or selfishness practice that can darken the future of youth. Here I can see the various dimensions of the crisis. Physically, a strategy taken by me. Make an enforcement law who is called to see that they are involved money laundering or drugs activities. They can be punished or jailed for 6 years and fined up to 50,000 to 1 lakh. Give education first priority so can youth who is the future of nature don't involve. Try to social and economic development in the district or execute program and policy to uplift this section.
Mature answer. Yes. Full. In what dimension would that इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा ठीक है बहुत अच्छे बहुत सुप्रीम इस लेवल का आंसर लिखना बड़ी बात ठीक है ये तुमने नंबर वन जो लिखे ना स्टेट बीएससी में टॉप नंबर वन का आंसर लिखा था टू का भी नहीं नंबर वन का लिखा ये बहुत अच्छा नहीं था इस तरह से रोकते हैं ना बहुत अच्छा लिख सकते तुम्हारा क्या लिखा था दो पॉइंट के लिए सर जैसे सर फर्स्ट में पॉलिटिशियन और सीनियर जो इन्वॉल्व थे सर पर्सन मीटिंग विद सीनियर्स टू मेक देम रियलाइज हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू हार्म द एंटायर स्टेट इन एवरी एस्पेक्ट लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन पॉलिटिकल आल्सो दे कैन बी मींस गेट टू बी हार्म एंड इकोनॉमिकली आल्सो गेट टू बी हार्म एंड सेकंड पॉइंट इज ट्राई टू गेट लोग people's local people's cooperation which is very important for this ठीक है local people का cooperation लेना बहुत जरूरी है ठीक है community policing पे काम कर सकते हैं sir अमित किसने लिखा है what would drug smuggler have to get encountered to increase fear amount fear का भी काम तो करना होगा हमें fear और you करें जब जरूरी है ठीक है fear भी दिखाना जरूरी है मगर फेयर भी दिखाए किसको ये तो तुरंत माफ किया है नेक्सस फेयर तो खत्म ही जाता है ये पॉलिटिशियन और पैटर्नाइज कर देते हैं पॉलिटिशियन और सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर्स है ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेसी का हाँ ये भी बहुत अच्छा बात है कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स उसको समझाया जाए उसके अगेंस्ट एक्शन लेना मुश्किल ही है उसको समझाया जाए नहीं समझता है एथिकल कोड को फॉलो करते हुए वी कैन गो फॉर द ठीक है बहुत अच्छा तुम्हारा आंसर ज्यादा बेटर बहुत अच्छा ठीक है तो मुझे आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है कॉमन का जो आंसर है सबसे स्टैंडर्ड आंसर तुम्हें एक काम करना फोटो खींच के इसके साथ क्रॉप कर देना और जो बोली हो वो तुम वहां पे वॉइस करके वहां छोड़ देना व्हाट्सएप को ठीक है बाकी लोग के लिए तुम लोग एक बार सुन लेते चलो दूसरा क्वेश्चन देखते वेरी वेरी एक्सीलेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें चलो तुम माइंड ले लो ताकि तुम लोग अटेम्प्ट नहीं किया इन रिसेंट टाइम्स देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग कंसर्न इन इंडिया टू डेवलप इफेक्टिव सिविल सर्विस एथिक्स कोड्स ऑफ कंडक्ट ट्रांसपेरेंसी मेजर्स एथिक्स एंड इंटीग्रिटी सिस्टम्स एंड एंटी करप्शन एजेंसीज इन व्यू ऑफ दिस देयर इज अ नीड बीइंग फेल्ट टू फोकस ऑन थ्री स्पेसिफिक एरियाज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ Internalizing integrity and ethics in the civil services. They are as follows: anticipating specific threats to ethical standards and integrity in the civil services, strengthening the ethical competence of civil servants, and developing administrative processes and practices which promote ethical values and integrity in civil services. Suggest institutional measures to address the above three issues. तो वो एक ऐसे स्टेट नहीं, बात समझ रहे हो ना? एक ऐसे स्टेट नहीं, ये different. जानते हो कि कंसर्न हो रहे हैं भारत में क्योंकि सिविल सर्विस में बहुत तरह का डिग्रेडेशन है ब्यूरोक्रेट्स ठीक से काम नहीं कर पाते या फिर जिस बोर्ड पे जिस स्टैंडर्ड से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा इसलिए भारत में एक कंसर्न हो रहा है बहुत दिन से कोड ऑफ कंडक्ट पे काम होना चाहिए इफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए इस पे बात हो रहा है ट्रांसपेरेंसी मेजर्स होना चाहिए हर समय ट्रांसपेरेंसी का बात करते हैं आरटीआई का करते हैं एथिक्स होना चाहिए इंटीग्रिटी होना चाहिए सिस्टम में और एंटी करप्शन एजेंसी होना चाहिए क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जानते हो कि करप्शन के लिए जाना जाता है इन व्यू ऑफ दिस यानी इतने जो मांग उठ रहे हैं कि यहाँ यहाँ सुधार होना चाहिए देयर इज अ नीड फील दैट फोकस ऑन द स्पेसिफिक एरिया तीन जगह पर हम लोग फोकस करेंगे हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से निकल सके ये डायरेक्ट हमारा इंटीग्रिटी पे इसका असर पड़ेगा और सिविल सर्विस में एथिक्स चाहिए तो उस पर फर्क पड़ेगा तीन चीज क्या है वही बोला गया क्या थ्रेड्स एथिकल स्टैंडर्ड्स
ऐसा क्या एथिकल स्टैंडर्ड में जो बाबू थ्रेड्स आ रहा है, जो दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से इतना सिस्टम गड़बड़ हो गया, जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लाने का बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम सिविल सर्विस एथिक्स होने का बात कर रहे हैं, तो क्या है थ्रेड, क्या है नंबर सेकंड, क्या है कैसे स्ट्रेंथनिंग द एथिकल कंपटीशन, यानी कि हम सिविल सर्वेंट का, सिविल सर्विस का जो कॉम्पिटेंस लेवल है, कैपेबिलिटी का जो लेवल, उसको और स्ट्रेंथन करना होगा, और एथिकल एनालिसिस, यदि ऑनेस्ट है तो और ज्यादा ऑनेस्ट बनाना होगा, प्रोबिटी लाना होगा, एब्सोल्यूट चीज लाना होगा। थर्ड क्या है, डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस व्हिच प्रमोट, और इस तरह हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस लाए, इस तरह प्रैक्टिसेस वहां पर ट्रेनिंग समझे, ताकि क्या हो एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी, ये क्या हो सिविल सर्विस में आ अंदर आ बात समझे। तो सजेस्ट ये तीनों मेजर्स, सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अब देखो आप क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या हो सकते हैं ताकि ये तीन इश्यूज को हम डील कर सकते, क्या क्या हो सकता है, देखो क्या थ्रेड्स, क्या है थ्रेड्स, क्या है ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस, यस सबसे बड़ा रीजन है ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल एथिक्स का एक बहुत बड़ा समस्या, ये सेल्फ इंटरेस्ट वाला चीज भाई, ये थ्रेड्स है। तीसरा क्या चीज है, करप्शन वगैरह है, करप्शन फेवरेटिज्म, जो भी एथिकल इश्यूज सब है, वैल्यूज सब, ये तीन हो गया। चौथा क्या हो सकता है, कौन क्या क्या प्रॉब्लम इसमें, यस थ्रेड्स क्या पेपर भी अपने दफ्तर का गलत ही होगी, उसके मतलब ये है सिविल सर्वेंट, बता दे रहा हूँ
इस कंट्री में कि अपना ए फोर साइज भी पेपर ऐसे है, वो भी गलत तरीके से यूज नहीं किया जाता। इन लोगों को सर्टिफिकेशन करना चाहिए उनका नाम, ताकि बाकी जो नौजवान जो यंगस्टर आ रहे हैं उसके प्रेरणा बने। और जितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुआ है, जैसे कि नक्सलाइट के साथ कैसे डील किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है, उससे रिलेटेड और जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उस क्षेत्र में ब्यूरोक्रेट्स का, वैसे ब्यूरोक्रेट्स को आके सम्मानित कर देना, ताकि ब्यूरोक्रेसी में एक अच्छा मैसेज जाए। हर समय जो स्टेट और गवर्नमेंट का जब झगड़ा होता है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ठीक उल्टा, जब कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म होता है तो उसको ब्यूरोक्रेसी प्रभावित होगा। यदि ब्यूरोक्रेसी प्रभावित होगा तो फिर तो वो तो फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र गवर्नमेंट का ही सुनेगा वो। जैसे कि हमने चीफ सेक्रेटरी वाला जो कांड देखा था वेस्ट बंगाल में, यहाँ जोड़ सकते हैं हम, यही तो है समय यूज करने का, समय आया ये इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। दूसरा स्ट्रेंथनिंग द एथिकल का कैसे तुम बढ़ाओ, तो बिल्कुल पहले से पावर ड्राइव कर सकते हो, आप डिफरेंट नहीं पाओगे, हर एक में सेम आंसर देगा कि नंबर कहां से। कैसे तुम एथिकल कंपटीशन बढ़ा सकते हो, यानी एथिकल कैपेबिलिटी एक सिविल सर्वेंट को कैसे बढ़ा सकते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग देके जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में बोल के, और देखना लिखने से पहले तीनों को सच्चे से पढ़ ले, कहां पे जो ज्यादा फिट बैठेगा वहां पे लिखना, कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए वर्ड्स का। तो क्या कर सकते हैं हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, और प्रॉपर ट्रेनिंग कब, वो आईएएस बनने से पहले, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सिविल सर्विस में भी जब तैयारी करता है बच्चा एथिक्स को ज्यादा बल दिया जाएगा, क्योंकि एथिक्स के बल देगा तो कहीं ना कहीं फाउंडेशनल वैल्यूज का वहां स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पेपर पढ़ने के दरमियान ही एथिक्स पेपर पर ज्यादा फोकस करता है और एथिक्स के व्यूज सबको देगा, ये भी एक बेस्ट उपाय हो सकता है। दूसरा क्या कि जब उसको ट्रेनिंग दिया जाता है मनाली में जहां पर ट्रेनिंग होगा सिविल सर्विस आईपीएस का जो ट्रेनिंग होगा हैदराबाद, तो उस समय भी एथिकल का एक ट्रेनिंग होना चाहिए मैसिव लेवल पे। दूसरा क्या होता है, जितने भी एथिकल लीडर्स रहे हैं, एथिकल ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उनको बुलाना मोटिवेट करने के लिए कि आप किस लेवल तक एथिकल रहे हैं, और यंगस्टर को, क्योंकि यंगस्टर ऐसा ऐसा सब्जेक्ट यंगस्टर यंग जो ब्यूरोक्रेट्स हो किसी भी ओर जा सकता है, वो या पॉलिटिकल के अंदर भी, पॉलिटिकल कवर के अंदर भी आ सकता है, या फिर वो ड्रग माफिया के अंदर भी आ सकता है। इसलिए इससे बेस्ट है कि जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर आए, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और परफॉर्मेंस बेस्ड, यदि परफॉर्मेंस अच्छा हुआ ऑनेस्टी का हुआ तो रिवार्ड देना, रिवार्ड दिया एक दो रिवार्ड पब्लिकली भी, पब्लिक डोमेन में भी डाल देना, ताकि ताकि ब्यूरोक्रेट्स को भी इंकरेज मिले, सबसे में ह्यूमन बींग सबसे में है ना। जैसे कि इतना कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में कोविड-19 में हमारे ब्यूरोक्रेट लोग बहुत काम किए हैं, तो जो बहुत अच्छा काम किए ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ काम किए उनके बारे में चर्चा करना, ठीक है। कैसे मैनेजमेंट किया जाता है बहुत सारे, जैसे कि एग्जाम्पल कोविड-1 में झारखंड के एक डीएम ने कितना अच्छा सैनिटाइजर बना दिया था और बहुत सस्ता था, उसमें सैनिटाइजर का इशू था 1.0 में, सैनिटाइजर कहां से लाया। तो इस तरह मतलब कैसे सोशल वेलफेयर के लिए हम सैनिटेशन पर वर्क कर सकते हैं, इस तरह का जो एथिकल जो डीएम है उसका करना, ताकि क्या बोलते हैं दूसरे लेवल पर जैसे प्रमोशन जैसे पॉलिटिशियन बेस्ड ना, हां वेरी गुड, और तुम्हारे प्रमोशन वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना, बल्कि पॉलिटिकल पैटर्न से बहुत अच्छा। वो प्रकाश सिंह कमीशन के प्रकाश सिंह बादल के से बिल्कुल उसमें भी वही बात किया गया। तो देखो ये हो गया, तीसरा देखो डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड प्रैक्टिस, देखो ये बात देखो दूसरा अर्थ सत्य मिलता जुलता है, बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को डेवलप करिए और प्रैक्टिसेस को डेवलप करिए, प्रोसेस को डेवलप करिए, प्रैक्टिसेस को डेवलप करिए और एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करिए सिविल सर्विस, वही प्रॉपर ट्रेनिंग देना हो ब्यूरोक्रेसी में किस तरह का काम होता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, हर ब्यूरोक्रेट को सिखाया जाए कि आप जितना भी वर्क करते हो आप कितना अकाउंटेबल हो, जनता दरबार में अकाउंटेबिलिटी की चेक हो रहा है तुम्हारा, जो भी किसी को आश्वासन दिया गया कि आपका काम हो जाए उसके बाद क्या होगा, क्रॉस चेक ऑडिट करना, क्रॉस चेक आपने जो मुंह से बोला और ग्राउंड रियलिटी में कितना काम होगा, इस पे काम होना, ताकि प्रतिबद्ध रहे आपके शब्द को लेकर सिविल सर्वेंट भी, हो गया बोल दिए तो क्रॉस चेक कौन करेगा, क्रॉस चेक करने के लिए एजेंसी का उसके लिए एक नेक्सस नाम बनेगा उस एजेंसी के साथ, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी आए जो परेशान भी नहीं करे ब्यूरोक्रेट्स को, और ब्यूरोक्रेट्स को क्या करेगा चेक करेगा
इंटीग्रिटी तक, जहाँ तक इंटीग्रिटी का सवाल है, जहाँ तक उसका डिसीजन मेकिंग का सवाल है, प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। प्रॉपर ऑडिट से अपने आप इंटीग्रिटी को जाता है। यस, और फुल फ्रीडम, बिना किसी दबाव का फुल फ्रीडम दो डीएम को काम करने का। और जो अच्छे डीएम है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है उनको सम्मानित करो बड़े बड़े स्टेज पे। सम्मानित भी करोगे तो बड़े बड़े लोग सम्मानित करोगे, ना बल्कि लोकल वाला गवर्नमेंट करेगा। लोकल वाला गवर्नमेंट करेगा तो डीएम उससे खुद बड़ा है, स्टेट गवर्नमेंट करे जैसे नीतीश कुमार नहीं करे वो तो सम्मान का। मैं ये करने के चक्कर में नेक्सस फॉर्म हुआ, नेक्स्ट फॉर्म हो जाता तो फिर पता चलता है नीतीश कुमार के भी आप गुप्तेश्वर पांडे बोल रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, चुनाव में उनको बैठाएंगे उठाएंगे। ये फ्यूचर प्लान नहीं होना चाहिए, फ्यूचर प्लान नहीं देखना चाहिए कि जॉब के बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमको फायदा नहीं है। ये चीज पूरी तरीके से वो होना चाहिए, कटर होना चाहिए, अदरवाइज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में चला जाए तो समझे ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिले, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि रंजन गोगोई को जो मिल गया राज्यसभा का, तो कई लोग तो इस दृष्टिकोण से भी देख रहे थे कि रामलला का मंदिर का जो बजट सुनाया है उसके बाद इनको मिला। देखो जब जस्टिस हम देते हैं जस्टिस हमको दिखना भी चाहिए, खाली जस्टिस देने से नहीं होता, जस्टिस टू बी सी दिखना भी चाहिए कि जस्टिस मिला। आर्टिकल 370 हटाने से समझे ना, तो वो डिबेट का इश्यू है समझे ना, उस पर नहीं जाना चाहेंगे पब्लिक डोमेन में हम लोग। तो सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टू एड्रेस, समझ गए, तीनों का हो सकता है। अब तीनों का जो पॉइंट है मिलता जुलता है, जो जहां पे जितना ही पॉइंट बोला गया है तुम लोगों को भी हम स्पेस देते हैं अभी बोलने के लिए और क्या हो सकता है। और जो भी पॉइंट है जहां पे जो पूछा जा रहा है जहां पे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है ठीक है ना, हालांकि तीनों ही तुम्हारे रिलेटेड है, तो बताओ तुम लोग क्या इसके अतिरिक्त क्या सोच सकते हो और क्या क्या होना चाहिए सिविल सर्विस डोमेन में ताकि इंटीग्रिटी ऑनेस्टी ये सब मेंटेन हो। और क्या सुनता है सिविल सर्वेंट को नहीं सीएस सिखाया जाए, पॉलिटिकल को भी पॉलिटिशियन को सिखाया जाए, बहुत अच्छा सबरेस मान करे भाई एक पॉलिटिशियन पे हमारा चलेगा नहीं, नाम दिक्कत ये है पॉलिटिशियन ही तुम्हारा प्रोग्राम और पॉलिसी बनाता है। और ना करे एक से हम कुछ बना देते हैं जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हां वॉटर एक्ट बना देंगे उस समय तो सर मान लेंगे, दिक्कत यही होता है ग्राउंड लेवल पे हो ग्राउंड लेवल पे कुछ डिफरेंट हो सकता है। आखिर बनाने वाले वही लोग हैं, लॉ बनाने वाले कौन है जो चुन के जाते हैं और उस पर काम करने वाले ये हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, इसलिए बीच में फंस जाता है डीएम से। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से कुछ ऑटो बॉक्स कुछ चीज है ऐसा क्या हो सकता है गवर्नमेंट कोई अलग सा कोई पॉइंट ठीक है अगर करवाना पॉलिटिशियंस को पहले तो सिटीजन को अवेयर करवाना ठीक है प्रोग्राम के बारे में अकाउंटेबल बने के लिए प्रोग्राम हर एक प्रोग्राम के बारे में विज्ञापन देना होगा। आप इतना सरकार का रिपोर्ट का गुणगान करने के लिए विज्ञापन देते हैं कि आप प्रोग्राम पॉलिसी के लिए नहीं देंगे, एक डीएम का भी एक अकाउंटेबिलिटी चेक होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मीडिया, मीडिया का प्रॉपर चैनल होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक हमारे डीएम है बहुत ही फेमस उत्तराखंड के हरीश रावत जब जाते हैं देखिए ना हरीश रावत गजब कूल डीएम बहुत शांत स्वभाव डीएम और बहुत अकाउंटेबल मीडिया पर्सन के साथ पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपना कॉन्फ्रेंस रख के अपना बोलते कि ये हुआ फाइनेंस ये हुआ एक दो बार वर्ड भी कर देते हैं और फिर तीन थर्ड या फोर्थ प्रयास के बाद भी देखे कि नहीं हुआ कुछ तो अच्छा बना। बहुत ही कूल हरीश रावत एक बहुत पॉपुलर फिगर है यूथ के लिए प्रेरणा, तो ऐसे प्रेरणा को लाओ ना आपके सामने है ना, ऐसे मतलब प्रेरणा लाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अकाउंटेबल बनाओ डीएम को भी अकाउंटेबल बनाओ। हाँ डीएम चुन के नहीं गया है मैं डीएम एलिमेंट तो है जो कि आपको दे रहा है उसको भी अकाउंटेबल बनाइए आरटीआई में क्या हुआ है आरटीआई को दुरुस्त करो क्योंकि आरटीआई जानना सब आरटीआई बताता है पर्टिकुलर डेट पर मिलता कितना है आरटीआई ठीक से काम नहीं कर रहा है इस कंट्री में बता दे रहा हूँ ठीक है ना। आरटीआई का ही बात करता है तुम ऑफिसर सीक्रेट एक्ट 1923 वाला लगा देता है
और बोलता है कि गोपनीय है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इस पे भी एक चर्चा होना चाहिए, कंट्री में डिबेट होना चाहिए, क्योंकि अब आरटीआई से हर एक फाइल नहीं खोलते हो, तुम इंटरनल सिक्योरिटी का तुम इन्वोक कर देते हो, ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट लगा देते हो, तो इसका दायरा उसका ब्रैकेट कितना तक होना चाहिए ये भी तय होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना, इसमें बताना है कुछ कि एक वाटर सेपरेशन होना चाहिए, एक लॉ ओवरलैप ना करे, इसलिए हमने हिस्ट्री में देखा भी है कि जब ओवरलैप हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट का अलग कर दिया गया ब्रिटिश के टाइम में, उसका जुरिस्डिक्शन अलग होगा, गवर्नर जनरल का अलग होगा, तो क्यों नहीं हम आरटीआई और ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट का भी वाटर सेपरेशन कर दे, वहां दिक्कत यह है कि पॉलिटिशियन को करता क्या है कि हर एक चीज को घुसा देता है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है जिनको बहुत ही मैटर कंसर्न है, वहां डायरेक्ट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करने वाला लोग को डाल दो, ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस, तो ये भी अवेयर करना होगा, एथिक्स यही चीज है, एथिक्स पे हमको करना होगा कितना एथिकली काम हो रहा है, जहां तक एथिकली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये एक मैटर ऑफ डिबेटिंग अभी पे, मैं पब्लिक डोमेन में हूं भी बोल दे रहा हूं ताकि तुमको समझ आ जाए, तो सिटीजन चार्ज इतना बढ़ते जा रहा है, जो लीगल जो हो रहा है 5-10%, यानी कि 100 आदमी पकड़े जाए तो 5-10% लगभग जो फैक्ट इनको लगना चाहिए, इसका मतलब आप बहुत जबरदस्ती और या फिर जल्दबाजी में सिटीजन चार्ज कर पा रहे हो, यूएपीएल के 83% पर, तो लॉ इसलिए नहीं लाया जाता ना, ये लॉ का दुरुपयोग है, लॉ का दुरुपयोग नहीं करना है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि लॉ का दुरुपयोग करके भी स्टैंडर्ड को और नीचे कर दिया जाता है, कोई बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हद लेवल पे काम करना चाहते हैं तो उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं, मनोबल क्या जाएगा उसका, इसलिए क्या बोलते हैं टेन्योर का बात करते हैं, प्रकाश सिंह बादल पर टेन्योर की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स फिक्स होना चाहिए, कहीं भी उठा कर दिया उसको, रात दिन मेहनत कर रहा है जो ब्यूरोक्रेट, सोच रहा है कि हम पहुंचा है, एथिकल ब्यूरोक्रेट सब है तो उसका ट्रांसफर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, यूपी में उठा देख लो, यूपी में बहुत सारे लोग छोड़ दिए हैं ब्यूरोक्रेट, आए भोकन हुए हैं बहुत सारे हैं, जब ये छुट्टे आते हैं ये सब चीज को हमको देखना, ठीक है, और ये सब चीज मेंशन भी करना होगा, मगर ऐसे मेंशन करना होगा एथिक्स पेपर में कि डायरेक्ट हम सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे, हम एक सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं, और सिस्टम ये नहीं कि अभी का दिया हुआ, सिस्टम बहुत पहले का दिया हुआ, यदि आज मोदी जी का सरकार नहीं होता और अभी कांग्रेस का सरकार होता, मनमोहन जी का होता, क्योंकि डिसाइड नहीं कर रहे, ये भी जान लेना, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वही चल रहा है ना, कहां हम लोग फ्रांस की तरह जर्मनी की तरह हम कम्युनिटी पुलिसिंग में कहां बात करते हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी कितना अच्छा काम किए कम्युनिटी पुलिसिंग का, भैया लोग भी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी पुलिसिंग सबसे बेस्ट है, लंडन देखो, लंडन से ही आया है सब चीज, अब कितना फैमिलियर है पुलिस से, फैमिलियर है लोग डरने रहा, यहाँ देखते हो ब्यूरोक्रेट से लोग कितना डरता है, पुलिस से लोग पुलिस का डर से देख रहे, ये जो डर है ये डर भी खत्म करना होता है, और ये डर कैसे खत्म हो सकता है, जब चीफ गेस्ट बनवा दिए, बार बार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग चीफ गेस्ट के रूप में किसी कॉलेज में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, इंस्पेक्ट करने के तौर पर भी जा रहे हैं या फिर मोटिवेट करने के तौर पर भी जा रहे हैं, जिसे लोग बार बार देखेगा तो पुलिस से नहीं आती, एक जो गंदा जो मेंटेलिटी बैठा है पुलिस को लेकर वो खत्म हो, और पुलिस को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए कि भाई आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप आदमी से बड़े नहीं हो, तो ये दोनों की तरफ आप सिटीजन को भी अवेयर करवाया जाए कि आप ही पुलिस को देखते ही ये मत बोल दो कि पुलिस बेकारी हो, पुलिस करप्ट, लोगों के दिमाग में भी है देखते ही बोलते हैं करप्ट, ना आओ ना देखा ना ताओ ना देखा, ना आगे का देखा ना पीछे का देखा, बोल दिया करप्ट, दिक्कत है, समझ रहे हो ना, इस तरह का मेंटेलिटी खत्म करना, इस तरह का मेंटेलिटी खत्म करेंगे तभी ना एथिकल वैल्यूज हमारा जो है वो हो पाएगा, मतलब और कुछ ऐसा जैसे तुम्हारा ग्राउंड रियलिटी को पकड़ना, समझे ना, बड़ा बड़ा किताब का बात नहीं पकड़ना, ग्राउंड रियलिटी को पकड़ के लिखना, कुछ है, कुछ है आप लोगों का, कुछ है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इनकंसिस्टेंट ना हो सकता, जैसे कि बहुत सारे दरअसल हम लोग काम कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हम लोग
सर सीनियर का प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सर सीनियर करप है हम लोग काम करने ही नहीं, बिल्कुल वही बात सर। उस समय सर ऐसा है जो कोड ऑफ कंडक्ट बने जहाँ पर सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट सिखाया जाए कि सीनियर का मीन्स प्रोटोकॉल भी ना फॉलो करो लेकिन पब्लिक का वेलफेयर ज्यादा जरूरी है। परफॉर्मेंस वही तो बोल रहा हूँ ना, परफॉर्मेंस के लिए एब्सोल्यूट रखनी चाहिए, परफॉर्मेंस में कोई इंक्रोचमेंट ना किसी पावर्स इससे बोले कि डीएम को एक स्वतंत्र पावर है ना, बल्कि सीनियर से थोड़ा उसका दिक्कत हो रहा है ना जूनियर से, तो इस तरह का लेके आना होगा। इसीलिए एथिकल कोड नहीं बनाया भारत ने, इसलिए कंसर्न। और हम लोग उस समय पीसीआरए का बताते हैं, यूएस का जो हुआ था इसके हम उसके बाद नोबल प्रिंसिपल बताए थे, सेवन प्रिंसिपल, और उस समय पीसीआरए के बताए थे कि पीसीआरए ने भी जो तुम्हारा पब्लिक सर्वेंट यूएस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, उसने जब ये एथिकल कोड बनाया तो उसने ये पूरा वर्ल्ड में नहीं है लागू नहीं है, और वर्ल्ड में भी डिमांड उठ रहा है इस बात का पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी एथिकल कोड होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। अकाउंटेबल है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर अकाउंटेबिलिटी यू शुड हैव टू फॉलो द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। कोई कोई है तो बोल सकते हो, कुछ है तो ऐसा कुछ है। ओके फाइन, ये सभी चीज को लिख देना वहां पे।